बात करते हैं एक नई आइसोमेरेज जिसका नाम है ट्यूटोमेरेज। अभी तक हमने फंक्शनल पढ़ा, अब हम पढ़ने जा रहे हैं ट्यूटोमेरेज। ट्यूटोमेरेज ट्यूटोमेरेज में हो क्या रहा है, पहले कहाँ शो कर रहे हैं ध्यान से सुनिएगा, पहले किस जगह शो कर रहा है उस पर वर्क करते हैं, फिर डेफिनेशन लिखेंगे। मैंने देखा ये एक कंपाउंड है, दिखने में कीटोन दिख रहा है बहुत आसानी से, और ये कंपाउंड है जो इन भी है और ऑल भी है, इन ऑल समझ में आ रहा है। तो मुझे पहली नजर में ये एक दूसरे के क्या लगे, फंक्शनल आइसोमर्स। क्यों भाई, अलग अलग फंक्शन का ग्रुप है, एक इनॉल है और एक कीटोन है, तो मैं तो इसको क्या मान रहा था, फंक्शनल आइसोमर्स, कोई दिक्कत नहीं थी। जैसे मैं यहां मान रहा था OH और ईथर, तीन थे ये भी एक दूसरे के क्या थे, फंक्शनल आइसोमर्स। तो मैंने इसको बोला फंक्शनल आइसोमर्स, Fi का मतलब फंक्शनल आइसोमर, मैंने इसको भी बोलने की कोशिश करी, लेकिन मैं गलत था। क्यों गलत था, ये एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स क्यों थे, क्योंकि ये एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं हो सकते थे। यानी मैं एक बोतल में अल्कोहल लो रखता हूं और आधे घंटे या एक घंटे रखने के बाद मैं सोचूं कि ये इथर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो नहीं होगा। यानी ये एक दूसरे में कन्वर्टेबल नहीं थे, लेकिन यहां ये एक दूसरे में कन्वर्टेबल थे। यानी मैं इन दोनों को सेपरेट नहीं कर पा रहा था। मैं बॉटल में कीटोन रखता था, इनोल में चेंज हो जाता था, इनोल रखता था कीटोन में रहता था चेंज हो जाता, और एक फिक्स रेशियो में चेंज हो जाता था। तो मुझे किसकी जरूरत पड़ी, मुझे एक नई तरह की आइसोमेरेज की जरूरत पड़ी। तो आप मुझे आसान भाषा में यस और नो में आंसर दें, क्या फंक्शनल आइसोमर्स एक दूसरे में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होते हैं, नहीं। क्या ट्यूटोमर्स आइसोमर्स एक दूसरे में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होते हैं, यस। यानी अगर कोई दो कंपाउंड ऐसे हैं जिनमें फंक्शनल ग्रुप अलग है, लेकिन उन्हें आपस में सेपरेट, पूरी तरह से सेपरेट नहीं किया जा सकता, वो एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो फिर हम उन्हें एफ आई नहीं बोल के क्या बोल रहे हैं, ट्यूटोमर्स। ठीक है, मेरी डेफिनेशन सबने एक्सेप्ट कर भी ली, बड़ा साइंटिस्ट हूँ तो बात मानते हैं, सब मेरे को रिगार्ड करते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये हो क्यों रहा है, इसके पीछे मैकेनिज्म क्या है। आप बात मैकेनिज्म पे जाओ, रटो मत कि ऐसा क्या रीजन है कि रूम टेम्परेचर में एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं होती, अपने आप चेंज हो जाते हैं और एक फिक्स रेशियो में आके स्टेबल हो जाते हैं, इस पे आने की कोशिश करते हैं। तो पहले तो मैंने इसको तो बोला एफ आई और इसको बोला ट्यूटोमर्स आइसोमर्स TI। तो आप एफ आई और TI में क्या डिफरेंस देखते हैं, ट्यूटोमेरिस में दो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होते हैं लेकिन वो एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं, जबकि एफ आई के अंदर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं और वो एक दूसरे से अलग होते हैं और ऑटोमेटिकली अपने आप में कन्वर्ट नहीं होते, उनके लिए फिर अलग से केमिकल प्रोसेस करना पड़ता है, सही है। तो ट्यूटोमेरिस की डेफिनेशन क्या बनेगी, ये तो डिफरेंस हुआ जो आपने लिख लिया है अपने वर्ड्स में, नहीं लिखा है तो लिख लो, ठीक है ना। एफ आई एंड TI, टू डिफरेंट फंक्शन ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप एंड नॉट कन्वर्ट टू इन ईच अदर। एट रूम टेम्परेचर, RT का मतलब रूम टेम्परेचर, जबकि यहां पर टू डिफरेंट फंक्शन ग्रुप एंड नॉट की जगह आप कन्वर्ट कर देंगे, नॉट को हटा देंगे। ये इसकी बेसिक डेफिनेशन हुई कि भैया डिफरेंट फंक्शन ग्रुप तो हैं लेकिन एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो एक्चुअल डेफिनेशन क्या बनेगी ट्यूटोमेरिस की, ट्यूटोमर्स
एक्चुअल डेफिनेशंस, क्योंकि यहाँ पर ये स्टार कंडीशन रहती है, यानी टर्म्स एंड कंडीशन एप्लीकेबल, जो इस डेफिनेशन में बहुत ज़्यादा मेंशन नहीं की गई है. टू और मोर देन टू फंक्शनल ग्रुप्स, जनरली तो टू ही होगा, कन्वर्ट टू ईच अदर बाय मूवमेंट ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ हाइड्रोजन हुआ है यहां पर. टी टू और मोर मॉलिक्यूल्स हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला एंड फंक्शनल फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला एंड फंक्शनल फॉर्मूला बट फंक्शनल फॉर्मूला कन्वर्ट टू ईच अदर बाय मूवमेंट ऑफ हाइड्रोजन. मूवमेंट ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड, एट रूम टेम्परेचर डाल दो, और एट रूम टेम्परेचर इज कॉल्ड ट्यूटोमर्स आइसोमर्स. ठीक है, तो क्या इनको सेपरेट किया जा सकता है? नहीं. आप सपोज ये लेके आएंगे बॉटल में, तो वो ऑटोमेटिकली क्या बना लेगा? इनॉल बना लेगा. इनॉल लेके आएंगे तो कीटोन बना लेगा, एक दूसरे में कन्वर्ट होंगे. इनको सेपरेट किया ही नहीं जा सकता, और जिन्हें सेपरेट नहीं किया जा सकता और डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है और वो मूवमेंट हाइड्रोजन की वजह से बन रहा है, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएंगे? ट्यूटोमर्स. पहली चीज, तो ऐसे कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं जिनमें ये देखने को मिलता है? सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो कीटो इनोल, कीटो इनोल. सो इट इज नॉन एज कीटो इनोल आइसोमेरिस, यानी ट्यूटोमेरिस को भी फर्दर क्लासिफाइड किया जा सकता है अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से. इस जगह क्या बोलेंगे? कीटो इनोल. एल्डिहाइड होता है तो एल्डिहाइड इनोल, अलग अलग की तरह. ठीक है, तो हम आगे भी देखेंगे नाइट्राइल आइसो नाइट्राइल साइनाइड आइसो साइनाइड वगैरह वगैरह में, तो कहाँ कैसा हो रहा है वो एक बार देखें, लेकिन पहले मूवमेंट क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, मैकेनिज्म क्या है, वो भी हम देखेंगे इसमें. देखिए ट्यूटोमेरिस की मैकेनिज्म किस तरह से, पहले इस तरह से देखिए, ये आपके पास एक कीटोन है, सही है. ये हाइड्रोजन जो है ये एसिडिक है. क्यों है भाई? इसका आंसर इससे मिलेगा. मान लीजिए ये निकल गया तो क्या आ गया यहां पर? नेगेटिव चार्ज आएगा या नहीं आएगा? और नेगेटिव चार्ज इज स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस. रेजोनेंस की वजह से यहां पर नेगेटिव चार्ज क्या है? एसिडिक है. तो नॉर्मल हाइड्रोजन के कंपेयर में ये वाली हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है. समझ में आ रही है बात? तो ये एसिडिक है. अब क्या होगा? ये यहां मूवमेंट होगा, इसका यहां होगा, तो ये इसकी क्या कहलाएगी? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. ये यहां आ गया और दिस, और वो जो हाइड्रोजन गया है माइनस एच प्लस, अब वो वापस मिल गया उसको उसी कंटेनर में, और H प्लस ने प्लस हुआ अटैक हुआ माइनस पे, तो ये क्या हो गया? OH. तो मैं आसान भाषा में बोल सकता हूं क्या रिजल्ट रहेगा मेरा? रिजल्ट ये रहेगा कि ये इस तरह से एक दूसरे में कन्वर्ट है. क्या दोनों बराबर बराबर रहेंगे? ऐसा मैंने कभी नहीं कहा. क्या दोनों रहेंगे? हाँ. तो बराबर क्यों नहीं रह रहे? जो ज्यादा स्टेबल है उसकी क्वांटिटी क्या होगी? ज्यादा होगी. जनरली कौन ज्यादा स्टेबल होता है? कीटोन. तो जनरली हम ये बोल सकते हैं कीटोन की क्वांटिटी ज्यादा होगी और इनोल की क्वांटिटी क्या होगी? कम होगी. तो किसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी एक अलग हेडिंग डालेंगे अपन, लेकिन हमारे पास अभी जो मेन हेडिंग डल रहा है
वो तो ये बन के आएगा हमारे को कि कीटो इनोल अपने आप में ट्यूटोमेरिस का एक टाइप है। कोई समझ में आई बात बेटा? आप कुछ भी रख लो, एक बोतल खरीद के लाओ, पूरा का पूरा इनोल भर दो, 100 ग्राम है तो 100 ग्राम ही रख लो। अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो थोड़ी देर बाद वो अपने आप 99 और 1 ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर आप ये 100 ग्राम लेके आ रहे हो और यही स्टेबल है तो बहुत कम क्वांटिटी यानी 1 ग्राम इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल है। इक्विलिब्रियम ये नहीं देखता कि कहां से रिएक्शन स्टार्ट की है, इक्विलिब्रियम ये देखता है कि कौन ज्यादा स्टेबल है। अगर यहां से स्टार्ट किया और यही ज्यादा है तो इक्विलिब्रियम जल्दी आ जाएगा और क्वांटिटी इसकी क्या होगी? ज्यादा होगी। लेकिन अगर आपने यहां से स्टार्ट किया, इक्विलिब्रियम थोड़ा लेट आएगा, कोई दिक्कत नहीं हमें, लेकिन क्वांटिटी उसकी ज्यादा होगी। ये एक पॉइंट है। कोई दिक्कत आ रही है समझने में? तो चलो यहां तक लिख लो आप। चलिए ठीक, तो हमने ये तो समझ लिया भाई, क्या पढ़ लिया हमने? ट्यूटोमेरिस है क्या, समझ लिया पक्का? तो क्या कौन कंपाउंड ट्यूटोमेरिस शो करेगा या नहीं करेगा? कौन करेगा? जिसमें एल्डिहाइड कीटोन होगा। यही तो समझ आया आपने? तो देखिए इधर, तो ये हमारे पास एल्डिहाइड कीटोन है, बताओ इसका ट्यूटोमर्स बनेगा, और बनेगा तो कौन कौन सा बनेगा? देखो सिंपल सा लॉजिक लगाना, ये हमारे पास हो रहा है यहां पर, ये डबल बॉन्ड ओ है। मैंने क्या करा है, हमेशा ध्यान रखना, मैं हाइड्रोजन कौन सा रिमूव करूंगा, अगर करूंगा तो कौन सा करूंगा? ये वाला जो एसिडिक है, सही है? यानी यहां पर माइनस क्रिएट होगा, हमेशा इसी बात पे हमारी बहस होगी, या तो यहां पर या यहां पर। यहां माइनस आएगा तो ये इस तरफ जाएगा, ये इस तरफ जाएगा, तो आपको OH कहां मिलेगा? इस जगह मिलेगा। यदि आपने इधर वाला लिया तो आपको कौन सा आइसोमर्स मिलेगा? ये वाला। समझ में आ रही है बात? या तो माइनस यहां मिलेगा या माइनस यहां मिलेगा, तो इनोल यहां होगा या यहां होगा। तो आप मुझे सिंपल सी गणित है, आप मुझे बता सकते हैं कि यहां देखिएगा कौन से इसके ट्यूटोमर्स होंगे या नहीं होंगे, आप बस इतना सा बताने की कोशिश करो। एक मैंने ये बनाया, एक मैंने ये बनाया, और एक मैंने ये बनाया, तीसरा वाला नहीं होगा, ये होगा, ये होगा। क्यों? क्योंकि अल्फा पोजीशन वाला हाइड्रोजन ही एसिडिक होगा। यस और नो? इज दैट क्लियर? अब आगे नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं इस जगह, एग्जाम्पल लिखते जाए, क्या आपको लगता है ये इस तरह का आइसोमर्स बना सकता है? हाँ या ना? हाँ, कोई दिक्कत ही नहीं। क्या ये पॉसिबल होगा ट्यूटोमर्स? हाँ। क्या ये हो सकता है इसका ट्यूटोमर्स? हाँ या ना? बस टिक करिए, यस और नो? नो, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां अल्फा पोजीशन वाला ही हाइड्रोजन मूव करेगा। एक और बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहा हूं मैं, क्या ये ट्यूटोमेरिस शो करेगा या नहीं करेगा? तो इसको तरीके से लिखो आप, जल्दी जल्दी एनर्जी लाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग शो ट्यूटोमेरिस? सोच के देखें जल्दी से इस पॉइंट्स को, विच ऑफ द फॉलोइंग शो ट्यूटोमेरिस? ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, या सेकंड? थर्ड, फोर्थ, फाइव, सिक्स,
सेवन एट नाइन टेन सॉल्यूशन और की पॉइंट ओनली दोज एल्डिहाइड एंड कीटोन शो ट्यूटोमेरेस विच हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, यानी वही कंपाउंड हमारे लिए ट्यूटोमेरेस शो करेंगे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन है, नहीं है तो कहीं को क्यों करेंगे? तो सबसे पहला वाला क्या अल्फा हाइड्रोजन करेगा, है उसमें है, तो इसका ट्यूटोमर्स भी बनाना है, तो इसका ट्यूटोमर्स क्या होगा, कोई भी एक बना दो बस। यस सेकेंड आप बताएं क्या इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन है, मुझे नहीं दिखा दे रहा, तो ट्यूटोमेरी शो करेगा नहीं, नो अल्फा हाइड्रोजन। थर्ड ऑप्शन नहीं करेगा, फोर्थ ऑप्शन करेगा, जल्दी से बोलो, नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, इस तरफ अल्फा हाइड्रोजन है उस तरफ नहीं है तो क्या हुआ, तो इसका ट्यूटोमर्स क्या होगा, CH2। एक तरह से देखा जाए तो ये हाइड्रोजन यहां मुंह कर रहा है और इसकी जगह पाइबॉन्ड का मूवमेंट यहां हो रहा है, देखिएगा ये पाइबॉन्ड इस तरफ मुंह कर रहा है, हाइड्रोजन इस तरफ मुंह कर रहा है, सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन। नेक्स्ट फाइव कौन सा नंबर है, सी डबल बॉन्ड ओ, क्या आपको अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है क्या यहां पर, नहीं करेगा, सही है। सिक्स इस तरफ कर लेगा, इस तरफ अल्फा हाइड्रोजन है, क्या इस तरफ अल्फा हाइड्रोजन है, नहीं, हमने बहुत सारे एग्जाम्पल कर लिए, अभी सिक्स तक पहुंचे हम। सेवन सेवन भी नहीं करेगा क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है, ये थ्री डिग्री कार्बन आ गया, फोर डिग्री कार्बन आ गया, तो इसके पास तो हाइड्रोजन ही नहीं है, नहीं करेगा। एट इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन समझते हो जो फंक्शनल ग्रुप से उसके बगल वाला कार्बन पे अटैच हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाता है। नाइन नहीं करेगा और टेन करेगा क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। इज दैट क्लियर? तो अब कुछ ऐसे एग्जाम्पल जो थोड़ा दिक्कत पैदा करते हैं, ये तो इजी एग्जाम्पल है जो आपने कर लिया, इनको लिखें आप। देखो ये हमारे पास ट्यूटोमर्स बताने का बहुत सही तरीका है, लेकिन ये एक जनरल एग्जाम्पल्स हो गए जिसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, हम पता लगा लेते हैं। कुछ ऐसे एग्जाम्पल देखते हैं 10, 11 नंबर का, इस एग्जाम्पल को देखो ध्यान से। मैंने यहां डबल बॉन्ड ओ और यहां डबल बॉन्ड ओ लगा रखा है, क्या ये ट्यूटोमेरी शो करेगा, यस और नो में आंसर दें। मैंने सोचा कि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है, है ना, तो मैंने ये ट्यूटोमेरी बना भी दिया, ओ एच डबल बॉन्ड यहां यहां और ये डबल बॉन्ड ओ,
लेकिन मुझे पता चला कि ये क्या है, इस पॉइंट में एसपी हाइब्रिडाइजेशन आता है। क्यों? क्योंकि दो पाई बॉन्ड हो गए और ये क्या बन जाएगा इस जगह लीनियर, और लीनियर होती है क्या हो जाएगी ट्रेन बिल्कुल ब्रेक हो जाएगी, और जैसे ये ब्रेक हुई काम खत्म, क्योंकि फिर ओपन चेन साइकिल टाइप हो जाएगा, ठीक है ना। तो फिर ट्यूटोमर्स तो होगा नहीं, तो क्या ये शो करेगा ट्यूटोमर्स? नॉट शो, नॉट शो ट्यूटोमेरिस। इज दैट क्लियर? तो एक और 12th नंबर का एग्जांपल ले रहा हूं, डबल बॉन्ड ओ, क्या अब शो करेगा? सेम चीज है, कहीं से कुछ सोच ही नहीं सकते। ये यहां मैंने CH3 लगा दिया, कुछ भी नहीं कर सकते, दो बॉन्ड है CH3, क्या शो करेगा ये? नहीं। लेकिन अगर मैंने ये 13 एक स्पेशल केस ले रहा हूं, यहां मैंने ले लिया, क्या ये ट्यूटोमेरिस शो करेगा? करेगा। क्यों? ये स्पेशल केस है, इसलिए इसको स्टार दे दो। यहां क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन की जगह फिर कौन सा चला जाएगा? गामा, यहां माइनस, और वो क्योंकि कॉन्जुगेशन में इस तरह से, और फिर ये कॉन्जुगेशन में और फिर हाइड्रोजन अटैक करेगा आपके पास, तो क्या ये ट्यूटोमर्स हो गए एक दूसरे के? हाँ। तो क्या मैंने वो स्टेटमेंट दिया था अल्फा, उसकी जगह एक और स्टेटमेंट दे सकता हूं अल्फा और गामा, बट गामा इज कॉन्जुगेटेड विथ अल्फा, तब भी हो जाता है। तो क्या ये ट्यूटोमेरिस शो करेगा? हाँ। इज दैट क्लियर? तो पहले ही क्यों नहीं कर पा रहा था, क्योंकि पहले यहां पर मैंने कुछ छोड़ा ही नहीं था गामा हाइड्रोजन। अब देखो यहां पर भी मैंने गामा हाइड्रोजन नहीं छोड़ा है, यानी मुझे किसको ब्लॉक करना पड़ेगा? अल्फा को भी ब्लॉक करना पड़ेगा, गामा को भी ब्लॉक करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? चलिए एक और एग्जांपल बताइए, इसका ट्यूटोमर्स बताएं आप, क्या बता सकते हैं इसका ट्यूटोमर्स? हाँ, कैसा होगा? ये OH, ये OH और ये OH, तो एक तरह से तीनों OH इस तरह से हमने ले लिया, कोई डाउट नहीं है? 14, 15, क्या ये ट्यूटोमर शो कर सकता है? देखते हैं कौन सा हम दे रहे हैं। हाँ या ना, ये ट्यूटोमेरिस शो करेगा या नहीं करेगा? करेगा। किस तरफ करेगा? पहले एक बार समझ लीजिए फिर उतार लीजिएगा। OH यहां शो कर जाएगा बहुत आसानी से, इनोल। लेकिन अगर मैंने ऐसा कुछ बना दिया, सिक्सटीन नंबर का एग्जांपल, क्या ये ट्यूटोमेरिस शो करेगा? नहीं। क्यों? आप कहेंगे सर इधर तो अल्फा हाइड्रोजन है, इधर तो 1, 2, 3 वैलेंसी हम इस तरफ बना देते हैं और हम यहां OH बना देते हैं, ये रहा ट्यूटोमर्स। नहीं, क्योंकि ये जो कार्बन कहलाता है ये क्या कहलाता है? ब्रिज कार्बन, ब्रिज कार्बन। और ब्रैड्स रूल यहां लगता है, जो कि ये कहता है कि ब्रिज कार्बन जो बाईसाइक्लिक कंपाउंड का ब्रिज कार्बन है उस पर एसपी टू हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल नहीं है, यानी वो प्लेन में रह नहीं सकता। क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि जैसे प्लेन में रहेगा तो ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड बीच में आएगा, और इतना ज्यादा स्टेरिक क्राउड रहेगा कि उसकी वजह से वो क्या होगा? अनस्टेबल। तो आप क्या बोल सकते हो, एसपी टू और एसपी हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन एट ब्रिज कार्बन एटम इज हाईली अनस्टेबल, अनस्टेबल एट स्मॉल रिंग,
स्मॉल रिंग का मतलब क्या? छोटी रिंग, छोटी रिंग का मतलब लेस देन 8 कार्बन एग्जिस्ट नहीं करेगा, और यहां तो लेस देन 8 ही है, कितने कार्बन है? 6 ही तो है, 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है, किसी भी एक रिंग में काउंट कर लो, 6 या 8 से कम होते ही आप क्या शो कर दोगे? छोटी रिंग है, और छोटी रिंग है तो ब्रिज कार्बन पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल ही नहीं है, यानी यहां पर इस कार्बन पे ना तो डबल बॉन्ड एग्जिस्ट कर सकता है, ना ट्रिपल कर सकता है, ना कार्बोकेटायन एग्जिस्ट कर सकता है। यहां पर इस कार्बन की कितनी वैलेंसी चाहिए मुझे? 4, तो 4 ही चाहिए, तो यहां नहीं कर सकता था, यहां कर पा रहा था, क्यों? क्योंकि इस तरफ ला रहे थे हम, इस तरफ नहीं ला रहे थे, लेकिन मैंने दोनों ब्लॉक कर दिए तो अब ये नहीं कर पाएगा। इज दैट क्लियर? चलिए 16, 17, अगर मैंने यहां पर ऐसा कुछ बना दिया होता, डबल बॉन्ड हो, और यहां पर कितने हाइड्रोजन है? 2 है, CH3 और CH3 इस तरह से लगा दिया हो तो क्या शो करता है ये? तब भी नहीं करता, क्यों? क्योंकि 16 पे है, 17 में इस तरफ जा नहीं सकता, और इस तरफ है ही नहीं हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन है क्या इस तरफ? नहीं है, और दूसरी तरफ है जिसका ले नहीं सकता वो, तो क्या ये शो करेगा? नहीं, ये भी नहीं शो करेगा। आ रही है बात समझ? कुछ कुछ तो घुस रहा होगा दिमाग में, इतना बोर तो नहीं है हमारा। तो ये मेरे कुछ एग्जाम्पल है जो आपको अच्छे से समझ में आ जाने चाहिए, लिखते जाएं जल्दी जल्दी भाई। हमारा टॉपिक यही चल रहा है, शो द ट्यूटोमर्स ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। कुछ और एग्जाम्पल, 17, 18 नंबर का एग्जाम्पल, लिखते जाएं इनके ट्यूटोमर्स आपको बताने, शो करें। तो नाइनटीन, ट्वेंटी वन, ट्वेंटी टू, जहां ट्यूटोमेरिज नहीं बन पा रही है आप उसको वहीं रोक दें। ट्वेंटी थ्री, ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी फाइव, लिखिए, इनको करना शुरू करें। देखिए मेरे पास और बहुत सारे एग्जाम्पल थे, उनमें से ये लिया है मैंने। अगर मैं यहां देखता हूं तो ये OH हो गया, ये यहां पर OH हो गया, एरोमेटिक कंपाउंड में और कन्वर्ट हो गया। इस तरफ तो अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, जो है यहां है, ये हो गया। इस तरफ तो दोनों तरफ से कहीं पे भी आ सकता है, यहां पर भी आ सकता है, वहां पर भी आ सकता है। कौन सा ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन है ये इस बात को डिपेंड करेगा कि इधर आने के ज्यादा चांसेस हैं या उस तरफ जाने की चांस। समझ में आ रही है बात? तो आप खुद ही सोचें कि क्या ये हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है या ये वाला ज्यादा एसिडिक है। देखिए यहां पर अगर हम देखते हैं तो यहां पर जो माइनस चार्ज है उसको ये प्लस आई इफेक्ट देगा, देगा या नहीं देगा, तो ये एसिडिक इतना ज्यादा नहीं रहेगा जितना ये रहेगा उसको, तो हाँ, तो ये और उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दिस,
ये अपन अगला टॉपिक लेंगे, लेकिन अभी तो हमारा क्या टॉपिक है, क्या ये आइसोमर्स शो करेगा या नहीं करेगा, करेगा इस जगह। यस, क्योंकि ये डबल बॉन्ड जो है ये इसके साथ रेजोनेंस में यानी कॉन्जुगेशन में, तो इस तरफ ज्यादा अच्छे से रहेगा। यहां यहां अगर आप बनाना चाहते हो तो इसको इस तरह से ले सकते हो आप वापस इनोल, इसको बनाना चाहते हो बिल्कुल, ये यहां वाला हाइड्रोजन लेगा तो ये इसमें चेंज हो जाएगा OH, और यहां पर एक CH3 है, यहां पर ये एक तरह से देखा जाए हाँ या ना, डबल बॉन्ड ओ है, यहां पर क्या हो जाएगा OH, और ये भी OH बनने के लिए क्या करेगा ये बनाएगा, लेकिन ये फटाफटी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा तो ये क्या बन जाएगा OH, और ये डबल बॉन्ड O बन जाएगा। मैंने इस बात का पता लगाने के लिए कि वास्तव में ऐसा कुछ होता भी नहीं होता, मैंने इस कार्बन को क्या बना दिया कार्बन 14, और थोड़ी देर बाद देखा ये 14 वाला कार्बन कीटोन वाला हो गया, इसका मतलब ये एक दूसरे में कन्वर्टेबल है, तो ये डेरिवेशन प्रूफ हो गया कि हाँ नहीं होता है, तो ये भी कीटो इनोल ट्यूटोमेरिस देते हैं। कोई समझ में आ रही है बात, तो ये हमारे पास 25 एग्जाम्पल और हो गए टोटल, और आगे देखते हैं तो लिखते जाएं, पहले इसको सबको उतारें। अभी हम ये बात कर रहे हैं कि एल्डिहाइड कीटोन तो बड़े आसानी से हम देख रहे थे कि ट्यूटोमेरिस दे रहे हैं और इनोल बना रहे हैं, फिर मेरी बात ध्यान से सुनना, क्या एल्डिहाइड कीटोन यानी कार्बोनाइल ग्रुप इसमें नहीं दिखाई देता आपको, ये ओ एच यानी कौन सा ग्रुप हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। जनरली कीटो जब भी बनता है तो किस वजह से बनता है, एसिडिक हाइड्रोजन। अब आप बताएं कि एसिडिक हाइड्रोजन अगर एसिड के अंदर देख रहे हो तो ये तो एसिडिक हाइड्रोजन सबसे ज्यादा कौन सी होगी, ये होगी, समझना मेरी बात को। तो अगर ये मूवमेंट हो भी रहा है और ये यहां गया ये यहां आ गया ओ माइनस, तो आपको वैसा का वैसा ही कंपाउंड नहीं मिलेगा जब एच वापिस अटैच हो जाएगा तो, यस और नो। तो इसमें तो कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि आइडेंटिकल है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आ रही है, तो यहां तो ये मूवमेंट वैसे ही होगा। तो क्या कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर इनोल फॉर्म मिलेगी आपको, नहीं नहीं मिलेगी, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड में ट्यूटोमेरिस नहीं होता है, ये हमारे लिए अगला पॉइंट हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड डज नॉट शो ट्यूटोमेरिस, वो का वही सब कुछ मूवमेंट है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड डज नॉट शो ट्यूटोमेरिस क्योंकि उसमें तो वैसे ही मूवमेंट होता है, तो उसे आइसोमर्स ही नहीं बनते तो आइसोमेरिस कैसे ले। दूसरा हम बात करते हैं एस्टर, ये मेरे पास एस्टर हो गया, एस्टर समझना बात को, तो एस्टर के अंदर क्या होता है ये रेजोनेंस होता है, आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूं, या सुनो, इस रेजोनेंस की वजह से ये जो हाइड्रोजन है ये बहुत कम एसिडिक हो जाती है, क्योंकि पहले तो क्या होता था कि ये माइनस आता था ये इसको स्टेबिलिटी देता था, ड्यू टू दिस रेजोनेंस द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ दिस हाइड्रोजन इज वेरी वेरी लो, तो एस्टर ग्रुप भी क्या होगा ट्यूटोमेरिस नहीं शो करेगा, तो लिख लीजिए एस्टर डज नॉट शो ट्यूटोमेरिस, एस्टर डज नॉट शो ट्यूटोमेरिस बिकॉज अल्फा हाइड्रोजन इज वेरी लेस एसिडिक, अल्फा हाइड्रोजन इज वेरी लेस एसिडिक, तो इसलिए ये भी हमारे पास ट्यूटोमेरिस नहीं शो कर पा रहा है। हाँ तो ये ऑब्वियसली यहां पर क्या हो रहा है कि ये हाइड्रोजन एसिडिक नहीं हो रही है, वेरी लेस एसिडिक, तो इस कारण रूम टेम्परेचर पे ये आसानी से हाइड्रोजन अलग होगी नहीं, और जब होगी नहीं तो मूवमेंट भी नहीं होगा, धीमे भी नहीं होगा तेज भी नहीं होगा, तो एस्टर भी नहीं शो कर पा रहा। तो एमाइड, एमाइड को देखते हैं, एमाइड के बाद साथ भी वही कहानी है, लेकिन
अंतर क्या दिख रहा है आपको? आ रही है बात समझ में? फिर ये प्रोटॉन ट्रांसफर हो गया, तो मूवमेंट हो गया, कुछ तो चेंज हुआ है। तो क्या एमाइन में इस तरह का मूवमेंट होगा? भले ही वो ज्यादा स्टेबल है, ठीक है, लेकिन हाँ एमाइन में मैं बोल सकता हूं ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? ट्यूटोमर्स कहलाएंगे। यस, तो एमाइड कैन शो ट्यूटोमेरिस, दिख ही रहा है। एसिडिक हाइड्रोजन होती है एमाइड की, और एमाइड की एसिडिक हाइड्रोजन बहुत ज्यादा एसिडिक है। आ रही है बात समझ में? तो एमाइड इस तरह से शो कर सकता है। हाँ या ना, पक्का समझ में आ रहा है? तो ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं। एक और लिख लो, साइनाइट, हाइड्रोसाइनाइट और आइसोसाइनाइट। देखिएगा एग्जाम्पल, उससे पहले एक और है, एसाइल हैलाइड, आर सी डबल बोन ओ सी एल CH3। क्या ये इसमें भी वही चीज है? रेजोनेंस है, लेकिन यहां कोई मूवमेंट हो ही नहीं पाएगा। तो यहां पर भी एसिडिक हाइड्रोजन क्या होती है? वेरी वीक, यानी एसिड हैलाइड डज नॉट शो ट्यूटोमेरिस। उन सब कंपाउंड को देखो जिसमें कार्बोनाइल है, उन सब कंपाउंड को देखो जिसमें कार्बोनाइल है, लेकिन उसके साथ क्या है? कभी OH है, कभी CL है, कभी NH2 है, कभी क्या है, तो ये भी नहीं शो करेगा, लेस एसिडिक, नॉट शो ट्यूटोमेरिस। सही है। नेक्स्ट एग्जांपल, मेरे पास है HC ट्रिपल बॉन्ड N। क्या ये हाइड्रोजन एसिडिक है? बना के तो देखते हैं। ऑब्वियसली HCN तो है ही, सी ट्रिपल बॉन्ड एन माइनस, आ गया समझ में? ये पूरा का पूरा इस तरफ जाएगा, तो एक तरह से क्या हो जाएगा, ये पूरा नेगेटिव चार्ज यहां आ गया, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया, ये इधर गया और ये इस तरफ गया। सही है। अब इससे क्या होगा? सी जो भी है हमारे पास, हम ये बोल सकते हैं ये इस तरफ गया, ये इस तरफ गया, तो माइनस आ गया, ठीक है। अभी तो हम इसको ऐसे ही देखेंगे, और एन और ये एच प्लस वापस अटैक हो गया। तो कहीं ना कहीं हमारे पास ये एक तरह का मूवमेंट हुआ है जो आप सामने देख भी रहे हैं मेरे साथ। तो एक तरह से हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं? सी डबल बॉन्ड, इसी को कैसे लिखेंगे? क्योंकि नाइट्रोजन पे ये है, और हम इसको आइसोसाइनाइड बोल देंगे। बोल सकते हैं, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा? साइनाइट। तो ये भी एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? ट्यूटोमर्स। आ रही है बात समझ में? इसके अलावा भी जो ग्रुप है उनमें एक एक करके अब हमारे पास हमेशा के लिए ओपन हो गया एक दरवाजा, जिसको मैं अब नेक्स्ट क्लास में लूंगा, कि कार्बन ऑक्सीजन की जगह कभी ऐसा बॉन्ड आ जाए नाइट्रोजन, तो क्या ये ट्यूटोमेरिस शो करेगा? हाँ, ये लेकिन बस अंतर ये कि NH लिखना पड़ेगा हमें, सी होगी, क्योंकि ऑक्सीजन की तो डबल वैलेंसी थी, नाइट्रोजन की कितनी है? तीन है, तो डबल बॉन्ड यहां कर दो ऑक्सीजन, या ट्रिपल बॉन्ड डाल दो, कुछ तो करने की कोशिश करेंगे। ट्रिपल वाला ऑलरेडी अपन कर चुके हैं, क्योंकि नाइट्रोजन अगर ट्रिपल से होगा तो कार्बन की एक ही वैलेंसी फ्री रहेगी। तो इनको हम आगे और एक बार डेप्थ में करेंगे, और 25-30 एग्जाम्पल और कर डालेंगे, हो जाएंगे 50 एग्जाम्पल से ऊपर। तो ट्यूटोमेरिस को मैंने बहुत अच्छे से डेप्थ से आपको पढ़ाया है। आ रही है बात समझ में? तो हम यहीं फ्री करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसको आगे देखेंगे।